पीएम सिंह यहाँ से हट रहा है, ठीक है, तो और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। दो तीन दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन ने एक किसान के नाम के ऊपर, जो किसान, जब फिर मैं कह रहा हूँ, खुद भूखा रह के देश को खिलाता है, उसके नाम पे ऊपर धब्बा लगा दिया। उस आंदोलन के साथ चलने का फायदा नहीं। आंदोलन चलेगा, एमएसपी का आंदोलन चलेगा, क्योंकि हमारा 20 साल पुराना आंदोलन था, और जब तक नहीं मिलेगा हम करेंगे, हम अपनी एक मीटिंग करेंगे, उस हिसाब से आंदोलन को चलाएंगे। कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना जाएंगे, और अगले साल इनको धान का रेट इस साल जो मिला है, जितना उनको मिला है, उससे ज्यादा दिलवा। कल की जो घटनाएं हुई, खास तौर पे गाजीपुर से जो हमें डेजिग्नेटेड रूट मिला था, उससे अलग हटके बैरियर तोड़ के जाने का काम जो किया गया, अलग बात है। कुछ लोगों को गुमराह किया गया कि नहीं, वीएम सिंह भी वहाँ चला गया, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वगैरह वगैरह। इशू ये है कि जब आप आते हैं किसी पीड़ा लेके डॉक्टर के पास, अस्पताल में आते हैं, तो अस्पताल को तोड़ने का काम नहीं करते आप, मलहम पट्टी कराने का काम करते हैं। हम दिल्ली में मलहम पट्टी कराने आए थे कि हमें धान का रेट 900 मिल रहा है, हमें पूरा रेट मिलना चाहिए, हमें गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है, हमें 1.5 गुना लागत का दाम मिलना चाहिए, हमारी गेहूँ आ रही है, गेहूँ का रेट हमें जो है 1975 मिलना चाहिए, आज मंडियों में 1500 रुपये रेट है। हम इन चीज़ों के लिए आए थे। राकेश टिकैत को कितना जिम्मेदार मानते हैं? अब ये तफ्तीश का मामला है। हम मानते हैं कि यहाँ पर होड़ लग गई है नेतागिरी की, ना के मुद्दे की। यहाँ पर जो है गांव-गांव से चंदा लिया जा रहा है, गांव-गांव से सब कुछ लिया जा रहा है। जब हमने कहा यहाँ चंदा कोई लेगा नहीं, चंदा नहीं, सामान बहुत सारा, चंदा कह के ले लो, वो उनको देखना है। तफ्तीश शुमार चलेगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। इतना मुझे ये है, जो अपनी जबान पे नहीं रह सकता, उस शख्स, उस संगठन के साथ हम लोग आंदोलन करके आगे नहीं बढ़ सकते। आप पर FIR हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है? FIR हुआ है क्योंकि हमने वही रास्ता अपनाया है जो हमें दिया गया। अगर इस पे FIR हुआ है तो बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पर आकर और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चला दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो हमें मिला है ना, इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूँ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखाऊं। ये नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहाँ थे कल सुबह, जब लोग यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, थोड़ा पीछे उनसे पूछा जाए ना। ये तफ्तीश का एक मुद्दा बने, जितने कमेटी के लोग हैं, कि तुम कहाँ थे भाई, तुमने किसको रोका, कितने वॉलंटियर बनाए, रूट गाइड तुमने क्या किया। केवल राकेश टिकैत से बात नहीं बनती है। जिन जिन ने बैरियर में तोड़ने का काम किया, या प्लानिंग पुरानी थी या प्लानिंग आज की थी, ये सब चीज देखनी पड़ेगी ना। इसलिए जो है, तो क्या ये पूरी प्लानिंग थी, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसे प्लान किया? मैंने वही आपसे कहा कि ये तो तफ्तीश का काम है ना, क्या प्लानिंग पुरानी थी? अगर आप कह रहे हो कि झंडा फहराने की बात पुरानी थी, उस पर अवार्ड भी मिला है, तो चांस ये भी है कि ये प्लानिंग हो सकती है पुरानी। किसने प्लान करा, कैसे प्लान करा, वो तो मेरा काम नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट एजेंसी का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ऐसे किसान आंदोलन को खराब नाम देने का, किसानों को खराब नाम देने का काम ना हुआ हो। ये लोग जो है, ये खुद भूखा रहता, किसान खुद भूखा रहता है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, किसान खुद भूखा रहता है, देश को खिलाने का काम करता है। वो यहाँ पर आके बदनाम करने की बात नहीं करता है, देश को डाउन करने की बात नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो हमारा मुद्दा था, मुद्दे से भटक गए कल, मुद्दा बन गया कि कौन झंडा लहराएगा, कौन लाल किला जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा। मुद्दा था कि हमारे MSP की गारंटी की खरीद का कानून कैसे बनेगा, ये बिल वापस कैसे होंगे। लगता है मुद्दे से भटक गए। हम तो पहले आदमी थे, 1.5 महीने से हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो 3 बिल की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो आप गारंटी दे दो हमारे खरीद की, हम जाने को तैयार हैं। वो देने को तैयार नहीं, और जो
उनकी बात मानने को तैयार नहीं सरकार की, उनसे एक वार्ता, दूसरी वार्ता, ग्यारहवा वार्ता। हम तो बार बार कह रहे थे बिल तो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी खरीद की गारंटी हो जाए केवल। इनके घर में अगर पैसा पहुंच जाएगा 1868 रुपए इस साल का, अगले साल जो भी रेट होगा 700-800 रुपए का फर्क पड़ेगा एक क्विंटल धान के ऊपर, तो 15-16 हजार रुपए अगर फायदा होता एक किसान को एक एकड़ पे, उसको वो फायदा है या यहाँ से दिल्ली छू के आने का फायदा है? अगर हम एक वायदा करते हैं सब मिलकर, लिखित में देते हैं कि हम इस रूट पे जाएंगे और बाकी आसपास गड़बड़ नहीं करेंगे, और गड़बड़ हो जाए तो क्या आप आंदोलन के साथ रहेंगे या कहीं जमीर भी आपकी होगी? जो आदमी संविधान के तहत 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों को फायदा करा चुका, उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों को 25 साल में जिंदगी के अंदर 1,00,000 करोड़ रुपया, छोटी स्टेट्स का तो बजट होता है 1,00,000 करोड़ भाई, वो आदमी संविधान के दिन संविधान को ठेंगा दिखाएगा या अपने जमीर से काम लेगा? ये मैं अपने साथियों पे छोड़ूंगा, मैं अपने साथियों पे छोड़ूंगा। इतना कहते हुए कि अगर तुम्हारा हल इस आंदोलन से होता है तो तुम सोचो।